तो बच्चों आज थोड़ा नया पढ़ाएंगे। कितने बच्चे हैं? आगे सब बच्चे आगे। आज ये पढ़ेंगे कि एक फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज होता है, कहाँ पर डिक्रीज होता है, और कहाँ पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है, और कौन सा पॉइंट में वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, कौन सा पॉइंट उसका मिनिमम पॉइंट है, वो पूरा डिक्रीज होता है। ओके, तो ये हमें पढ़ेंगे बच्चों ग्राफ का ऊपर। ओके, देखिए आज का हमारा चैप्टर है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, तो हमें ये डेरिवेटिव हेल्प करता है कौन सा फंक्शन कहाँ तक इंक्रीज होता है और कहाँ से कहाँ तक वो डिक्रीज करता है, कौन सा उसका मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा उसका मिनिमम पॉइंट है। ये डेरिवेटिव से हमें एक फंक्शन का पता चलेगा। ओके, तो समझो एक ग्राफ ऐसा है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। समझिए फंक्शन ऐसा है कि तो समझिए फंक्शन एक है। ओके, ये फंक्शन कहां तक वो इंक्रीज करता है, कहां तक वो डिक्रीज करता है, कौन सा पॉइंट इसका मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा एक्ट उसका मिनिमम पॉइंट है। ओके, तो यहाँ देखिए आपको तो ये पता चल रहा है ये मैक्सिमम पॉइंट है। ओके, ये मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाईएस्ट सबसे मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये मिनिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, फिर सबसे मिनिमम पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमा ऐसा है। तो पहला हमें जब भी ऐसे फंक्शन देता है उसको एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके, इसका डेरिवेटिव को जीरो करके, जो हमें स्लोप बोला जाता था, ये पॉइंट निकाला जाता है, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट निकाला जाता है। ओके, यहाँ पर स्लोप जो है ये इक्वल टू जीरो क्यों है, और इसका जो डी वाई बाई डी एक्स जो है, पहला ये हम ये पॉइंट जब कोई फंक्शन करते हैं उसको डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करके उसे इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद जो पॉइंट एक्स का आता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, नहीं तो मिनिमम पॉइंट होता है, क्योंकि ये एफ डैश एक्स तुम पता है स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस क्या है, स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस होता है कि जीरो होता है, एक्स एक्स का स्लोप टैन जीरो डिग्री है जीरो। तो इसके साथ ये पैरेलल होते हैं सभी, इसके साथ पैरेलल होता है। ओके, तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये पैरेलल होते हैं, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट क्या है, जो dy/dx का मीनिंग ये होता है कि चेंज इन द y एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। ओके, हमारा स्लोप हम क्लास 11 में पढ़े थे, तो स्लोप का जो फॉर्मूला था चेंज इन y एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये हमें क्लास में पढ़े थे। दो पॉइंट देता है उसका स्लोप लेंथ निकालते हैं, एक लाइन का दो पॉइंट देता है
एक लाइन का दो पॉइंट देता है, उसका स्लोप कैसे निकालता है, इनटू पर फॉर्म वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो दैट इज योर चेंज इन वाई एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दैट इज योर स्लोप। तो हमें एक फंक्शन का पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव का मीनिंग है कि उसका स्लोप निकाला जाता है, फंक्शन का स्लोप निकाला जाता है। ये स्लोप को इक्वल टू जीरो इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये स्लोप जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। तो ये इस पॉइंट में वो आइदर ये मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, इसको टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। ओके, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके जो पॉइंट्स आता है, ओके, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू जो जीरो करने के बाद, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल जीरो करने के बाद जो पॉइंट्स आता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम पॉइंट होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम पॉइंट होता है, ये है। ये हमें क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो कर देते हैं। करने के बाद सपोज ये पॉइंट्स आया, सपोज ये ए है और ये आपका इंटरवल देता है, थोड़ा तुम भी बच्चों ग्राफ बना लो, ये पॉइंट बी है, ओके, उसका डोमेन का ये देता है, ये पॉइंट बी है, ये एक्स का देता है, ये एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी ऐसा देता है, ओके। तो पहला एक्स बिलोंग्स टू ऐसा भी देता है क्वेश्चन में, वो डोमेन दे देता है कहाँ से कहाँ तक, ओके। अच्छा, पहले हम जो डेरिवेटिव करके इक्वल टू जीरो करने के बाद एक्स का कुछ पॉइंट्स आएगा, सपोज ये तुम्हारा सी डी ई एफ ऐसा कुछ पॉइंट्स आएगा, ओके, सपोज जीरो करने के बाद ये तुम्हारा ये सी आया, ये डी आया, ये ई आया, ये एफ आया, ओके, ये पॉइंट्स आया, ओके। तो बात है कि यहाँ से यहाँ या ए टू सी ये इंक्रीज तभी आएगा अगर तुम उस पॉइंट इसके बीच में एक तो पॉइंट दोगे वो डी वाई बाई डी एक्स में डालोगे, ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स में डालोगे, अगर डी वाई बाई डी एक्स द्वारा ग्रेटर देन जीरो आया तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग करता है, ओके। हमारा रियल लाइफ का भी बात है, जब तुम पॉजिटिव सोचते हो, जब तुम पॉजिटिव हो तभी तुम इंक्रीज होगी, ओके, इफ योर माइंड इज इन पॉजिटिव थिंकिंग, ओके, ऑलवेज, ओके, देन तुम इंक्रीज करोगे। तो जब डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये ए टू सी यहाँ से एक तो पॉइंट निकालोगे ए और सी के बीच में, वो डी वाई बाई डी एक्स में डालोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो फंक्शन आएगा उसमें डालोगे वो पॉइंट, अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन ए टू सी इंक्रीज करता है, ठीक है। देन सपोज सी से डी से एक तो पॉइंट डालोगे, अगर तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आता है, मीन्स वो फंक्शन सी से डी वो डिक्रीज करता है, अगर डी वाई बाई डी एक्स फिर यहाँ से फिर इसमें से डालोगे डी और ई के बीच में पॉइंट लोगे वो डालोगे एफ डैश एक्स में, अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो इंक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, डी वाई बाई डी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। फिर यहाँ पर इस इंटरवल में अगर इस इंटरवल में फिर नेगेटिव आया वो डिक्रीज करेगा, तो तुम्हारा लाइफ में जब भी नेगेटिव ऐड हो जाता है वो तुम डिक्रीज कर लोगे, वहाँ पर तुम्हारा जिंदगी में थोड़ा डिक्रीज हुआ तुम्हारा, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लेकर डालोगे, अगर फिर पॉजिटिव आया
ओके अगर पॉजिटिव है फिर इंक्रीज करोगे। ओके सो एक बार आप कोई भी फंक्शन देता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करने से तुम्हें ये पॉइंट्स आता है, क्रिटिकल पॉइंट्स आता है और टर्निंग पॉइंट्स आता है और मैक्सिमम पॉइंट्स और मिनिमम पॉइंट्स आता है। ठीक है तुम बोलोगे सर मैक्सिमम पॉइंट कैसे पता चलेगा? ओके मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे। ओके अगर तुम्हारा ये जो पॉइंट आया इक्वल टू जीरो करने के बाद सी और डी और ई एफ जो पॉइंट्स आया ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट बोल के कैसे पढ़ोगे बोलोगे? ये तुम लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो मैक्सिमम पॉइंट कैसे बोला पता चलेगा? तुम्हारा सपोज एक तो इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। ओके सपोज ये तुम्हारा कि डेरिवेटिव करने के बाद इसको नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट को ये करोगे, ये तुम्हारा ए है। ओके और ये तुम्हारा बी है। ओके और तुम्हारा ये सी है और ये तुम्हारा डी है और तुम्हारा ई है और ये तुम्हारा एफ है। सपोज यहां पर तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, यहां पर इंक्रीज कर रहा है, एफ डैशेस यहां पॉजिटिव आया है और यहां नेगेटिव आया है, एफ डैशेस नेगेटिव आया है, तो ये कौन सा पॉइंट है? क्या कौन सा पॉइंट है कौन बोलेगा? अगर एक तो इंक्रीज करके सी तक आपका इंक्रीज करके ओके सी पॉइंट तक इंक्रीज करके फिर उसका डिक्रीज किया है तो आपको ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? कौन सा पॉइंट है बोलिए बच्चे लोग, भाई कुछ तो बोलिए। कैसे पता चला गया सी कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है ना मिनिमम पॉइंट है बच्चों? बच्चे लोग क्या आपका बात में सुनाई नहीं दे रहा है ना? क्या प्रॉब्लम कुछ है? तो चेक कर लेते हैं सब साउंड वगैरह यहाँ पर। अरे क्या हुआ बच्चे लोग, कुछ बोलते नहीं हो? लास्ट क्लास साउंड का हमारा म्यूट हो गया था, तुम्हारा आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ साउंड तो ठीक है। अरे बच्चे लोग, यस सर। अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो, साइलेंस रह जाते हो? मुझे पता तो लग रहा है कि ये सी पॉइंट इंक्रीजिंग मैक्सिमम पॉइंट है मिनिमम पॉइंट है बोलिए? मैक्सिमम। हाँ जब एक पॉजिटिव होता है फिर उसके बाद नेगेटिव आता है, डेरिवेटिव यहाँ पर एक पॉइंट लेके एफ डैस एक्स में डालोगे, जो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा आया होगा वो उसमें डालोगे, डेरिवेटिव करने के बाद जो फंक्शन आया होगा उसमें डालो। अगर वो पॉजिटिव आया फिर इनके बीच में पॉइंट लेके उसमें डालोगे, अगर नेगेटिव आया तो एक पॉजिटिव होकर नेगेटिव आया तो सी कौन सा पॉइंट है? सी कौन सा पॉइंट है? फिर ये नेगेटिव आया फिर ये पॉजिटिव फिर आया, तो मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट जानने के लिए फास्ट रूल है जो कि हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम। नेगेटिव होके फिर इंक्रीज हुआ, नेगेटिव मीन्स तुम्हारा डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हुआ, तो ये कौन सा पॉइंट है? नेगेटिव होके फिर डिक्रीज होके फिर डिक्रीज हुआ, ये कौन सा पॉइंट है? डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हुआ तो ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ पर डिक्रीज हुआ उसके बाद मिनिमम पॉइंट है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है बच्चों। ओके फिर तुम्हारा डिक्रीज करके फिर इंक्रीज किया, तुम्हारा इंक्रीज करके फिर डिक्रीज किया, तो तुम्हारा इंक्रीज करके फिर डिक्रीज किया बच्चों, इसे फिर मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। ओके देन तुम्हारा
नहीं मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ऐसा भी होता है यहाँ पर ऐसा डिक्रीज करके फिर ये पॉइंट के बाद फिर डिक्रीज किया, ऊपर नहीं गया, इंक्रीज नहीं किया, फिर डिक्रीज किया, डिक्रीज करके फिर डिक्रीज किया, देन इंक्रीज नहीं किया, यहाँ पर नेगेटिव आया, समझ आए। ऐसा है कि इधर भी नेगेटिव आया, इधर भी नेगेटिव आया, मीन्स डिक्रीज करके फिर डिक्रीज करे, तब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बच्चों पॉइंट ऑफ इंटेक्शन बोलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम इंक्रीज करते जाओगे कि इंक्रीज के बाद डिक्रीज होता है, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम डिक्रीज इस पॉइंट के बाद यहाँ पर तो जीरो हुआ, स्लोप जीरो हुआ, फिर उस पॉइंट का फिर से डिक्रीज किए, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटेक्शन कहते हैं, इस पॉइंट को इंटेक्शन कहते हैं। इसी तरह ऐसा भी है कि एक तो तुम इंक्रीज के बाद ये क्रिटिकल पॉइंट आया, फिर इंक्रीज किए, देन भी इस पॉइंट को भी बच्चों सेम बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, मीन्स इधर भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव, अगर इधर भी पॉजिटिव, ओके इधर भी पॉजिटिव इंक्रीज किए, यहाँ पर जीरो हुआ, ओके स्लोप जीरो हो गया, वहाँ पर स्टॉप रहे, फिर जाके फिर इंक्रीज कर लिए, देन ई को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बच्चों, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ऐसा भी कुछ ग्राफ होता है कि जहां पर वो पॉइंट इंक्रीज के बाद फिर इंक्रीज होता है, ओके इसे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कहते हैं। ओके इंफ्लेक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तुम लोग का सीबीएसई एग्जाम में 4 मार्क का आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो फंक्शन वो पॉलीनोमियल फंक्शन भी देता है, नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देता है, लॉगरिथमिक फंक्शन देता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देता है, और बोलता है कि कौन सा इंटरवल में कौन सा इंटरवल वो इंक्रीज किया, कौन सा इंटरवल में कौन सा इंटरवल वो डिक्रीज किया। और एनडीए में तो सियर क्वेश्चन है, एनडीए में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये सियर क्वेश्चन है, ओके 2 क्वेश्चन आता है, और ये हमारा एओडी का कि ऐसे कुछ का लगातार रहता है 2-3 क्वेश्चन उसका, ओके वो एक ही फंक्शन में बोल देगा कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट मिनिमम है, कौन सा कहाँ से इंक्रीज किया, कहाँ से कहाँ वो डिक्रीज किया, एक ही फंक्शन में पूछ लेगा वो, ओके। तो बच्चों ये डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल जीरो किए, इक्वल जीरो करने के बाद जो एक्स का जो जो पॉइंट्स आता है उसे ये पॉइंट्स आइदर मैक्सिमम पॉइंट होता है नहीं तो मिनिमम पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट्स है मैक्सिमम पॉइंट होता है नहीं तो मिनिमम पॉइंट्स होता है। तो बात कैसे है कि ये पॉइंट्स मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, एक तो टेस्ट पर हम जाने, एक इंटरवल में इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करता वो मैक्सिमम पॉइंट है, अगर डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करता है तो ये मिनिमम पॉइंट है, ये जाने, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम का। और एक तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है जो कि हम मैक्सिमम मिनिमम बोलेंगे, अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, ओके सेकेंड डेरिवेटिव करके वो पॉइंट जो आया तुम्हारा, सेकेंड डेरिवेटिव करके ये पॉइंट जो आया तुम्हारा, अगर ये पॉजिटिव होता है वो पॉइंट पुट करते हैं, पॉइंट का वैल्यू जो है पुट करते हैं, ओके वो पॉइंट पुट करते हैं, सेकेंड रेट करके पॉइंट डी पुट करते हैं, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो डी इज मिनिमम पॉइंट है, विच इंप्लाइज दैट डी इज, ये सेकेंड रेट टेस्ट है मिनिमम पॉइंट। ये बच्चे हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि डिक्रीज करके इंक्रीज किया तो डी इज द मिनिमम पॉइंट है, ओके सेकेंड रेट टेस्ट का पॉजिटिव आता है सेकेंड रेट, ये डी इज मिनिमम पॉइंट है, ये सेकेंड रेट टेस्ट है। अगर तुम्हारा ऐसा है ओके कि तुम्हारा सी जो है, अगर एक बार सेकेंड रेट टेस्ट किए और सी का जो पॉइंट जो है 3 हो 4 हो जो भी हो पुट करोगे, अगर ये नेगेटिव आया,
अगर ये नेगेटिव आया तो सी इज मैक्सिमम पॉइंट है, सी इज मैक्सिमम पॉइंट है। बच्चे ये बात फिर से हम पढ़ेंगे इसमें, इन ये में। अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके अगर नेगेटिव आया और वो पॉइंट सी का वैल्यू पुट करके, सी का जो ये पुट करने के बाद जो आया, अगर ये नेगेटिव आता तो वो सी इज मैक्सिमम पॉइंट है। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? अगर इंक्रीज करके ऐसा नंबर लाइन में आप जान सकते हैं, इंक्रीज करके डिक्रीज किया, मीन्स ये सी इंक्रीज कर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो सी इज ए मैक्सिमम पॉइंट है। सो दिस इज बच्चो अबाउट द ग्राफ। तो पहला, जब भी कोई फंक्शन देता है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंट फंक्शन हो देता है, ओके, कौन सा इंटरवल पे नेगेटिव है, और ये सब मैक्सिमम मिनिमम उसका नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज में पढ़ेंगे बच्चे, ओके। तो ये बच्चों हमारा था कि इंक्रीजिंग, यहाँ से ये इंक्रीज किया, यहाँ से ये डिक्रीज किया, यहाँ से ये इंक्रीज किया, यहाँ से ये डिक्रीज किया, ठीक है। सेकेंड बच्चों बात करते हैं, सेकेंड बात है बच्चों, एक बात बोले बच्चों, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है बच्चों? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है बोली? अरे बच्चों थोड़ा बोलिए, इंट्रैक्टिव होने से अच्छा रहता है। ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग ग्राफ है बच्चों? लोग नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? शायद तुम कुछ बोल रहे हो, मुझे आवाज आ नहीं रहा है ना। सो गए बच्चे, क्या बात है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा देखो बच्चे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट टू राइट हमेशा चेक करोगे, लेफ्ट टू राइट हमेशा लेफ्ट टू राइट चेक करोगे। ये आपका इंक्रीजिंग बच्चों, ये और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चों, ओके। ये जो ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स अगर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता है तो आपका ये कंडीशन आपका अप्लाई करना है। यहाँ जो स्लोप ऑफ द टैंजेंट डी वाई बाई डी एक्स जो है स्ट्रिक्ट, हाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है बच्चों। कुछ बच्चों ग्राफ ऐसा रहता है, ओके, कुछ ग्राफ बच्चों ऐसा रहता है, ये इंक्रीज किया फिर इक्वल हुआ फिर इंक्रीज किया, ये बच्चों इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। और जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता है, यहाँ पर इक्वल नहीं रहता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसे कहते हैं, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाता है। अच्छा, इसमें आपको बच्चों ओनली इंक्रीजिंग बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ, फिर यहाँ पैरेलल हुआ विद एक्स एक्सिस के साथ, मींस इक्वल टू भी जीरो हुआ, या दो चीज हुआ बच्चों, इंक्रीज भी किया स्ट्रिक्टली इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर इक्वल हुआ फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज हुआ, इसको ओनली इंक्रीजिंग बोला जाता है, इस ग्राफ को ओनली इंक्रीजिंग बोला जाता है। जब भी इंक्रीजिंग बोलता है तो ये क्लोज ब्रैकेट देना, ठीक है। जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता है, ये आपको कंडीशन देना है कि डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो और यहाँ इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। 10 मिनट के बाद चला जाएगा बच्चों, ओके। और ये जब भी डी वाई बाई डी एक्स जब ये ग्रेटर देन जीरो मीन्स एक्स बिलोंग्स टू है ना, आप जो एक्स निकालना है ये ओपन ब्रैकेट रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ऑफ ए बी मीन्स नॉट इंक्लूडिंग ए बी, ठीक है। और ये क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग, ये इक्वल का मीनिंग है जानते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ऐसा रहता है, ये क्लोज ब्रैकेट रहता है, ये इक्वल टू में हमारा क्लोज ब्रैकेट रहता है और ये ओपन ब्रैकेट रहता है जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस ग्राफ को ओनली इंक्रीजिंग कहते हैं, इस ग्राफ को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग,
नेक्स्ट बच्चों ऐसा भी कुछ ग्राफ है आपका, लेफ्ट टू राइट हमेशा लेफ्ट टू राइट चेक कीजिए, तो ये द्वारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, और डी वाई बाई डी एक्स जो है वो लेस देन जीरो होता है। ओके, कुछ ग्राफ बच्चे ऐसा भी है कि ये डिक्रीज किया फिर इक्वल हुआ, डिक्रीज किया फिर इक्वल हुआ, इक्वल हुआ उसके बाद फिर डिक्रीज कर लिया, ये ओनली डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसको कहते हैं ओनली डिक्रीजिंग बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी है और इक्वल भी है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स वो पार्लर टू द एक्स एक्सिस है, ये ओनली डिक्रीजिंग बच्चों। कुछ ग्राफ बच्चों ऐसा होता है जैसे साइन एक्स का ग्राफ जो है, ये इंक्रीज साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसा है कि वो वन तक जाएगा फिर ये माइनस वन तक आएगा, ऐसे जाता है इसका, तो मैक्स ऐसा है, इस ग्राफ को वन तक गया मैक्सिमम पॉइंट वन, मिनिमम पॉइंट हाँ मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स का वन है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, इस ग्राफ को बच्चों बहुत इंक्रीजिंग एक इंटरवल में बहुत इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, उसको बोलते हैं बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ। अगर एक इंटरवल में बहुत चीज करता है, इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी करता है, उसे कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ। इस ग्राफ को बच्चों समझ, एक इंटरवल देता है, उस इंटरवल में तो फंक्शन बहुत करता है, इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी करता है, तो उस इंटरवल में उस फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बच्चों था फंडामेंटल ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, कौन सा पीरियड कहाँ तक वो इंक्रीज करता है, कहाँ से डिक्रीजिंग करता है, क्या मैक्सिमम पॉइंट है, क्या मिनिमम पॉइंट है, ये ग्राफ को समझना है। और इसका ऊपर एग्जाम में जेई मेन में क्वेश्चन रहता है, एनडीए में क्वेश्चन रहता है, सीबीएसई में क्वेश्चन रहता है। तो ये था बच्चों इसका फंडामेंटल्स, तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहला हम पॉलीनोमियल जितना फंक्शन है पॉलीनोमियल फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, फिर एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम फंक्शन का करेंगे, अलग अलग करके अलग अलग करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज एनसीईआरटी। अभी तो देखिए क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का, तो बच्चों हमारा और एक टेस्ट है, पता चला है कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारा ऐसे फंक्शन है, तो वो तुम्हारा एफ एक्स इक्वल अभी जो हम कर रहे थे 7x-3 ऐसा है, हमें प्रूव का जब इसका डेरिवेटिव करते हैं ना 7 आता है, तो ये स्ट्रिक्टली 7 मीन्स ग्रेटर देन 0, इसका डेरिवेटिव जो है 7 आता है मीन्स ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डेरिवेटिव मेथड में जाने। लेकिन ये में क्या जाने, एक्स का 2 लीजिए और वाई का 3 लीजिए, यहाँ पर इसको एक्स वन और वाई एक्स वन और एक्स टू पॉइंट लीजिए, यहाँ एक्स वन लेस देन एक्स टू है, ओके 2 लेस देन 3 है, उसके बाद पर एफ ऑफ 2 निकालिए, एफ ऑफ टू आ रहा है तुम्हारा कितना 14-3 11, ओके 14-2 11 आ रहा है, एफ ऑफ 3 आ रहा है कितना
एफ ऑफ थ्री आ रहा है 21 माइनस 3 18, तो यहाँ पर 2 लेस देन 3 है एंड एफ ऑफ 2 लेस देन एफ ऑफ 3 है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये फास्ट टेस्ट है ये टेस्ट, लेकिन हमेशा यूज नहीं होता है। x1 लेस देन x2 है और f(x1) f(x1) f(x2) है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सबसे बेस्ट है डेरिवेटिव कर दीजिए, ये पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कुछ बच्चों ऐसा फंक्शन रहता है, कुछ ऐसा फंक्शन रहता है बच्चों कि ये पता चलेगा कि वो कौन सा फंक्शन है। ओके, ऐसा रहता है, सपोज तुम्हारा f(x)-3x+2, इसको डेरिवेटिव बच्चों कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, एड करने से ये -3 रहता है। ओके, तो -3 रहता है मींस ये नेगेटिव f(x)-0 हो गया। f(x)-0 मींस इसको हम डेरिवेटिव टेस्ट में f(x)-3x+2 ऐसे डेरिवेटिव कर दिए। हाँ, डेरिवेटिव किए तो ये क्या आया, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया मींस f(x)-0 मींस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कभी कभी विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट में भी प्रूव करना पड़ता है, छोटा छोटा फंक्शन है। सो ये x का 2 है, f ऑफ 2 कितना है बोले, f का 2 में f ऑफ 2 कितना आएगा बोले, इसका ये x का 2 हम डाले तो कितना आया, -4। हाँ, ये f ऑफ 2 कितना आया तुम्हारा, -6+2 -4। ओके, f(3) डालिए, वो उस तरफ एक्चुअली जाए। हाँ, f(3) डालिए, क्या वैल्यू आ रहा है, एक्चुअली उल्टा आना था, इसका उल्टा हो जाता ये, x का बिलो x आता ये, f(3) डालिए। ओके, f(3) डालिए, एक्चुअली इसका x का 2 में y का 4 -1 मींस नीचे आने वाला था, ये रफ स्केच है। ओके, अच्छा f(3) डालिए, क्या आ रहा है, f(3) डालिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ 2 लेस देन 3 है, 2 लेस देन 3 मीन्स द्वारा x1 लेस देन x2 है, देन f(3) डालिए कितना आ रहा है, f(3) बोलिए कितना, f(3) कितना आ रहा है बोलिए, इसमें डालिए -9+2 द्वारा क्या होता है, -9+2 आता है -7। तो यहाँ पर क्या है, f(2) बड़ा है किसे, f(3) से। अगर x1 लेस देन x2 एंड x1 लेस देन x2 लेकिन तुम्हारा f(2) जो है बड़ा है और f(3) छोटा है, तो यहाँ पर ये 2 लेस देन 3 है, तो द फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर x1 लेस देन x2 होता है एंड x1 लेस देन x2 होता है एंड द्वारा अगर x1 लेस देन x2 होता है और f(2) क्या होता है, ये f(x1) उल्टा आता है, ग्रेटर देन कितना, f(x2) होता है, उल्टा होता है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। x1 लेस देन x2 एंड f(x1) > f(x2) होता है ये, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, x1 लेस देन x2। ओके, एंड f(x1) > f(x2), तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। और बच्चा ऐसा है,
बच्चे इंक्रीजिंग का कंडीशन समझ लिए तो, इंक्रीजिंग का कंडीशन समझ लिए तो, ये विदाउट डेरिवेटिव का एक्स वन लेस देन एक्स टू और एफ ऑफ एक्स वन ये लेस देन ये तो इंक्रीजिंग होता है स्ट्रिक्टली, और तुम्हारा ऐसा कंडीशन है, ये जो कंडीशन दिया है ये तो कंडीशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके डेरिवेटिव में, ओके और ये भी हम पढ़ चुके हैं, ओके नेक्स्ट बारा यहाँ पर लिखा नहीं है कि हाँ डिक्रीजिंग कहाँ पे समझे तो बच्चों, डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा समझे तो, ये कंडीशन है लेस देन में और वो ग्रेटर देन होता है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है, और इंक्रीजिंग में क्या कंडीशन है, लेस देन में हाँ ये वाला कंडीशन में आपका इंक्रीजिंग है, एक्स वन लेस देन क्या, एक्स वन लेस देन एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझे बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक्स वन लेस देन एक्स टू और एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके शायद तुम्हारा क्लास का टाइम हो गया 6 बज गया, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास हम जो करेंगे आज 4 बजे प्रॉब्लम्स करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट सभी फिर से चाहिए, ओके याद रहा तो सब कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो ओनली डिक्रीजिंग, और ये वाला टेस्ट यूज नहीं है इतना, एक्स वन लेस देन एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन हो गया, ओके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आपको पता चलेगा, पता चल जाएगा ये इसलिए ये एक्स वन इसका लेस देन एक्स टू है और एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये तुम्हारा ऐसा है कि यहाँ पर एक्स वन लेस देन एक्स टू है लेकिन एफ ऑफ एक्स वन बड़ा है और एफ ऑफ एक्स टू छोटा है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो बच्चों आज इतना रखते हैं, आज शाम को प्रॉब्लम्स करते हैं, अलग अलग पॉलीनोमियल फंक्शन अलग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग और पिवोनियल फंक्शन अलग, ठीक है, आज इतना क्लास रहने तो और फिजिक्स क्लास शुरू हो जाएगा।